दे देखते हैं हमारे भारत के खिलाड़ियों ने ओलंपिक में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है। कुछ यूनिक चीज़ें इस बार रही हैं कि क्वालिफाई नंबर ऑफ प्लेयर जो है ज़्यादा किए, और कुछ ऐसी गेम्स भी है जिसमें पहली बार क्वालिफाई किए और जो विन्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा ही हैं, ठीक है, अच्छे खासे हैं। तो इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने इन्वाइट किया है ओलंपिक्स की पूरी टीम को 15 अगस्त को एज अ स्पेशल गेस्ट, तो ये पूछा जा सकता है स्पेशल गेस्ट के रूप में। और आज का क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले क्वेश्चन देखिए, इंडियन आर्मी के साथ कौन से देश की कंट्री ने, कौन से देश की आर्मी ने सेटअप किया हॉटलाइन नॉर्थ सिक्किम सेक्टर में। अब ये किसने सेटअप किया है, जब सिक्किम की बात आती है तो ऑब्वियसली आंसर क्या आता है, चाइनीज आर्मी ने किया है। अब ये हॉटलाइन है क्या, ताकि दोनों देशों के बीच में एक तरीके से रजामंदी की क्लैशेस कम से कम हो, ठीक है, एक लोकल लेवल पर क्लैशेस को रोकने के लिए कुछ हॉटलाइंस क्रिएट की जाती हैं, ठीक है। तो ये हॉटलाइन किसके बीच में एस्टेब्लिश किया गया, इंडियन आर्मी के द्वारा और पीपल जो लिबरेशन आर्मी है चाइना की उनके द्वारा। कहाँ पे, लोकेशन क्या है, ठीक है, कोंगराला है, ठीक है, जैसे नाथुला है ना सिक्किम में, वैसे कोंगराला भी लोकेशन है नॉर्थ सिक्किम में, जहां पर इस हॉटलाइन को, ठीक है, एस्टेब्लिश किया गया है। अब इसको हॉटलाइन का पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने कमीशन किया, कितना किलोमीटर का ट्रांसमिशन लाइन लद्दाख में, तो 40 किलोमीटर का ट्रांसमिशन लाइन जो है ना लद्दाख में, लद्दाख में पावर की जो कमी थी उसको पूरा करने के लिए ऐसा किया गया। कुछ विलेजेस हैं जहाँ पे पावर बिल्कुल नहीं आती, मतलब लाइट सप्लाई बिल्कुल नहीं आती, उसके लिए किया गया। ये ऑफिशियल आर्टिकल है जिसमें क्लियर कट लिखा है कि 40 किलोमीटर का ये जो ट्रांजिशन है, ये ट्रांजिशन जो है ना कुछ ऐसे विलेजेस हैं जहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराएगा, और ये इलेक्ट्रिसिटी कहाँ पे, विलेज मैं बता देता हूँ, आरएन विलेज ऑफ कारगिल डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे, ठीक है। 40 किलोमीटर का ट्रांसमिशन जो है ये लद्दाख को सक्सेसफुली दे दिया चुका है। और ये कौन से प्रोग्राम के अंडर, प्राइम मिनिस्टर का डेवलपमेंट प्रोग्राम है पावर ग्रिड कनेक्शन, ठीक है, इन इन लोकेशंस पे ये जो है, ठीक है, पावर ग्रिड कनेक्शन जो है ये आएगा। स्थापना जो है कब हुई, ठीक है, इसके तो स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1989 में, हेडक्वार्टर गुड़गांव में, चेयरमैन क्या है, ठीक है, कांडी सरकेन जो है इसके चेयरमैन है। चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। रामनाथ कोविंद जी ने हाल फिलहाल में 5 दिन के ऑफिशियल टूर कौन सी स्टेट का रखा है, इंडिया के कौन सी स्टेट का, तो तमिलनाडु का रखा है। इसका कुछ कारण है इसलिए ये इन्होंने ऑफिशियल टूर रखा है ये, तो इस फेर में देख सकते हैं आप। इधर रामनाथ कोविंद जी को चाइना जो चेन्नई है वहां पे, ठीक है, 5 दिन के टूर पे गए हैं, और इनको रिसीव करने के लिए वहां के गवर्नर आए थे, ठीक है, बनवारी लाल पुरोहित, और चीफ मिनिस्टर आए थे एम के स्टालिन। अब ये मैं रीजन बता देता हूँ, रीजन क्या है, इस साल 2021 में जो तमिलनाडु है, चेन्नई का जो असेंबली, स्टेट असेंबली है, उसको सेंचुरी हो जाएगी पूरी। इसके बारे में जान लेते हैं, तमिलनाडु के बारे में, कैपिटल चेन्नई है, गवर्नर अभी बताए मैंने बनवारी लाल पुरोहित, और चीफ मिनिस्टर जो है श्री एम के स्टालिन है। तमिलनाडु को 1 नवंबर 1956 में एज अ स्टेट ऑफ मद्रास बनाया गया देश आजाद होने के बाद, ठीक है, और 14 जनवरी 1969 में मद्रास स्टेट को तमिलनाडु ऑफिशियली रीनेम किया गया। तो आपको दोनों में से किसी पे भी क्वेश्चन आ सकता है, ऑफिशियली रीनेम कब किया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये था, कौन सी कंट्री से इंडिया ने, ठीक है, मतलब कौन सी कंट्री से इंडिया को लाइटेस्ट मेट्रो ट्रेन मिला है पुणे मेट्रो के लिए, तो इसका आंसर क्या है, इटली इसका आंसर है। एग्जैक्टली ऐसा नहीं कि इटली ने हमें कुछ सेल किया है, इसका अलग रीजन है, इसका अलग रीजन है, हमारे ही देश की एक कंपनी है जिसने इटली की कंपनी को एक्वायर किया, जिसकी वजह से वहां पे बनाया गया और यहाँ पे भेजा गया, ठीक है। तो इसका मैं डिटेल बता देता हूँ, इट इज द लाइटेस्ट मेट्रो ट्रेन सेटअप फॉर पुणे मेट्रो सेंड फ्रॉम द इटली। कितने आने वाले, 34 ट्रेन आर गोइंग टू कम फ्रॉम द इटली, ठीक है, 34 ट्रेन भेजी जाएंगी, हर एक ट्रेन में 3 कोचेस होंगे, ठीक है, और एज अ प्रोटोटाइप इसे वर्चुअल सेरेमनी में दिखाया गया था, जिसमें इंडिया की एम्बेसडर इटली के लिए जो है नीना मल्होत्रा है, और जो इटली के एम्बेसडर इंडिया के लिए है वो है वेंसिनो डी लुका, इनको भी, ये दोनों सम्मिलित थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और ये शेड्यूल अराइव कब होगा, सितंबर 2021। तो ये इकर वैगन जो है वेस्ट बंगाल बेस्ड कंपनी है, रेलवे वैगन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इसने बनाया, कैसे बनाया है, इससे पहले इटली की एक कंपनी थी, ठीक है, फर्मा, ठीक है, इसको एक्वायर किया था, 90% स्टेक लिए थे, और उसके बाद में उसका 100% स्टेक हो गया, तो ऑब्वियसली ये एट इतकर के अंदर ही आता है। आपसे डायरेक्ट सवाल ये पूछा जा सकता है कि ये जो वैगन कंपनी है ये कहाँ पर बेस्ड है, वेस्ट बंगाल में बेस्ड है, जो कि इंडियन रेलवेज के लिए बहुत कुछ बनाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट सी नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, सेल्को सोलर लाइट प्राइवेट लिमिटेड ने, ठीक है, हाल फिलहाल में
सोलर बेड बनाया है फॉर द पीपल सफरिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, कहाँ पर बनाया है ये पूछा गया है। तो आंसर है इस क्वेश्चन का बेंगलोर में, ठीक है। ये कहाँ पर बेस्ड है, मतलब सेल्को सोलर लाइट प्राइवेट लिमिटेड कहाँ बेस्ड है, बेंगलोर बेस्ड है और इसने बनाया है। तो बहुत स्पेसिफिक सी न्यूज़ है, आपसे पूछा करंट अफेयर पूछा जा सकता है कि बेंगलोर बेस्ड है सेल्को सोलर प्राइवेट लिमिटेड जिसने, ठीक है, किसके लिए, स्पाइनल कोर्ड इंजरी से, ठीक है, पीपल्स को जो है ना, लोगों को, ठीक है, बना के दिया है। चलिए, तो इंपॉर्टेंट है, दो इन्होंने क्या है एज अ बेड डोनेट भी किए थे। चलिए, इंपॉर्टेंट है, मैंने कल आपको कहा था कि कोई स्पेशल दिन नहीं है, लेकिन यार एक दिन था स्पेशल 3 अगस्त को, और ये इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली 3 अगस्त का ये कवर होना चाहिए, तो क्वेश्चन भी आ सकता है इस पर। हार्ट 3 अगस्त को क्या बनाया था, तो आंसर है हार्ट ट्रांसप्लांट डे, बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। तो इसको डिटेल में देख लेते हैं। पहली बार भारत में 3 अगस्त 1994 में सर्जन पी वेणुगोपाल ने हार्ट ट्रांसप्लांटेशन जो है ना उसको सक्सेसफुल किया था, फर्स्ट हार्ट एक्सट्रैडेशन जो हुआ था इंडिया में, ठीक है, वो 3 अगस्त 1994 में, इसलिए हार्ट ट्रांसप्लांटेशन डे जो है इंडिया में घोषित किया गया, बनाया जाता है। ये ऑपरेशन एम्स में दिल्ली में हुआ था, 20 सर्जन इसमें थे सर्जरी में, और 59 मिनट ये रहा था, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से ये जो व्यक्ति हैं पी वेणुगोपाल, इनको, ठीक है, पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया मेडिकल के फील्ड में। हमें ये चीज़ ऑब्जर्व करनी पड़ेगी कि पहली बार जो वर्ल्ड में हार्ट ट्रांसप्लांटेशन एक्सट्रैक्शन हुआ था 1967 में हुआ था, और इंडिया में ये होने में 27 साल लग गए इसको सक्सेसफुल होने में, यानी कि 3 अगस्त 1994, 27 साल लग गए, तो इट्स क्वाइट लेट। चलिए, एक और क्वेश्चन देखिए, हार्ट ट्रांसप्लांट डे ऑब्जर्व किया था 3 अगस्त को, क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा क्वेश्चन, म्यांमार की आर्मी ने हाल फिलहाल में स्टेट एमरजेंसी को कितने साल के लिए एक्सटेंड किया, 2 साल के लिए एक्सटेंड किया। क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, आप सभी देख सकते हैं, म्यांमार के आर्मी के चीफ हैं, ठीक है, सीनियर जनरल मिंग ओंग, ठीक है, मिंग ओंग ने इस चीज को घोषित किया है कि स्टेट को जो म्यांमार की आर्मी है इस समय, ठीक है, एज अ द केयर टेकर ऑफ गवर्नमेंट बनी हुई है, और इन्होंने ये भी घोषित किया है कि मे बी बाद में इलेक्शन हो और जो प्राइम मिनिस्टर बने ये खुद बने, मिंग योंग हिलांग, ठीक है, ये आपके सामने है इमेज। ये इन्होंने पहले सीज कब किया था, आर्मी ने पावर को सीज किया था 2021 में फरवरी में, ठीक है, आप सभी जानते हैं हाल फिलहाल में मिलिट्री रूल लगा हुआ है, ठीक है, म्यांमार में, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। व्यक्ति का नाम मे भी पूछा रहा है आपसे ना, क्योंकि मिलिट्री रूल लगाया गया है, तो व्यक्ति कौन है, कौन पावर में आ सकते हैं, ठीक है, तो ये सब चीज़ें पूछी जा सकती है, स्टेट एमरजेंसी किसने लगाई है, तो आंसर होगा सीनियर जनरल मिन उंग हेलेंग, क्वेश्चन आ सकता है। चलिए, एक और क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी स्टेट है जिसने टॉप पोजीशन लिया है हमारी कंट्री में इन टर्म्स ऑफ वैक्सीनेशन पर मिलियन पीपल, मतलब सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन यहाँ पे हुई है, तो आंसर है इस क्वेश्चन का गुजरात, गुजरात में सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन हुई है, ये ऑफिशियली बताया गया है, ठीक है, ऑफिशियली बताया है कि गुजरात में सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन हुई है। अगर ओवर 10 लाख पीपल बोला जाए तो उसमें से 517,000 जो हैं वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, ठीक है, ऑल ओवर 3.32 करोड़ डोजेस, ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ये जो रिपोर्ट है ऑफिशियली देगी, गुजरात इस समय सबसे आगे चल रहा है, ठीक है, वैक्सीनेशन के मामले में, COVID-19 के वैक्सीनेशन के मामले में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, गुजरात, गुजरात के बारे में जान लेते हैं। स्थापना हुई 1 मई 1960 में, गांधीनगर कैपिटल है, श्री आचार्य देवव्रत इसके गवर्नर है, चीफ मिनिस्टर जो है विजय भाई रूपानी इसका आंसर होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए, कौन सा देश है जिसने हाल फिलहाल में कोविड वैक्सीन लॉन्च करी है, ठीक है, चिल्ड्रंस के लिए 3 से 17 साल की उम्र में, तो आंसर है यूनाइटेड अरब एमिरेट। अब इन्होंने जो वैक्सीन लॉन्च करी है एग्जैक्टली ये इन्होंने नहीं बनाई है, ठीक है, इन्होंने इसे कहाँ से लिया है, चाइना से लिया है, चाइना से लिया है, आप इधर देख सकते हैं, COVID-19 इन यूनाइटेड अरब एमिरेट 900 किट्स पार्ट ऑफ द स्टडी ऑन सिनोफार्म वैक्सीन, ठीक है, पहले इसकी स्टडी किया गया, क्लिनिकल ट्रायल लिया गया, सिनोफार्म है क्या, सिनोफार्म वैक्सीन जो है ना ये बीजिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा, ऑब्वियसली तो चाइना इसका आंसर होगा अगर आपसे सिनोफार्म के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, तो पहले इन्होंने ट्रायल लिया, ये ट्रायल सक्सेसफुल हुआ, और अब इस सिनोफार्म वैक्सीन को जो है ना COVID-19 के लिए बच्चों के लिए 3 से 17 साल के उम्र के बच्चों के लिए यूज किया जाएगा, कहाँ पे, यूनाइटेड अरब एमिरेट में, महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा जा सकता है, ठीक है। अमेरिका ने हाल फिलहाल में कौन से देश की पुलिस फोर्सेस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, कौन से देश की पुलिस फोर्सेस को बैन किया और 2 फेमस लीडर्स को बैन किया, तो क्यूबा पे दोबारा सेक्शन लगाए गए, देखिए जो बिडेन ने ये सेक्शन इसलिए लगाया है, कुछ प्रोटेस्ट हुआ था जिसकी वजह से जो बिडेन को क्यूबा की पुलिस पर जो पूरी पुलिस फोर्सेज हैं और पुलिस चीफ हैं ऑस्कर कैलेगस
ठीक है, और डेप्यूटी चीफ जो है इन पर, इन दोनों पर जो है सैंक्शन लगाएंगे। तो इसका आंसर डायरेक्ट आपको मिल सकता है, क्यूबा इसका आंसर है। आज का ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन देखिए, वैक्सीन की बात बहुत हुई है आज के क्वेश्चन में, गुजरात हो गया, क्या बोलते हैं, और भी बहुत सारे हैं। कल सीरम का क्वेश्चन आया था, तो मे बी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948, हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड। फाउंडर जो है ब्रोक किल्सन है, डायरेक्टर जो है, डायरेक्टर जनरल कौन है? ठीक है, तो डायरेक्टर जनरल कौन है? टेड्रस जो है, ठीक है, एडनोम इसके डायरेक्टर जनरल है। क्विक पॉइंट देखते हैं, जिनको मैं आगे वाली आने वाली क्लासेस में जरूर कवर करूंगा। हाल फिलहाल में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस मिला है ब्राजील के कौन सा लैंडस्केप है? गार्डन सीटीओ बल मार्क्स जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस मिला है, इसे कहाँ पे लोकेटेड है? ठीक है, ब्राजील में लोकेटेड है ये लैंडस्केप। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रिसेंटली हु हैज बीन नेम्ड बाय यूएस एज द एम्बेसडर एट लार्ज फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के लिए यूएस एम्बेसडर कौन बने हैं? रशीद हुसैन बने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं भी पूछा रहा है। ठीक है, विच इंडियन हैज रिसेंटली अनाउंस द लॉन्च ऑफ बजट एयरलाइन अक्सा एयर? तो किसके द्वारा? राकेश झुंझुनवाला के द्वारा। इन सब चीजों को डिटेल में पढ़ा जाएगा, फैक्चुअल डिटेल आपको पता होना चाहिए, डिटेल आपको ठीक है आने वाली क्लासेस मिलेगी।